हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आम का खट्टा मीठा अचार। इसके लिए चाहिए हमें लाल साबुत मिर्चा, और इसको अच्छी तरह भून लेना, हल्का रोस्टेड करके भूनना जब तक इसमें स्मेल ना आ जाए। इसके साथ हम डालेंगे धनिया, साबुत धनिया, इसको भी हमको रोस्ट कर लेना है। थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच कलौंजी और सौंफ, इन सबको रोस्ट कर लेना है धीमी आंच पर। अब इन सबको मिक्सर में दरदरा पीस लेना है, बहुत बारीक नहीं करना है, हल्का सा दरदरा ही रहे। अब पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है, इसमें आधा चम्मच मेथी, एक चम्मच हल्दी और कटे हुए आम। इनको ऐसे धीमी धीमी आंच पर चलाते हुए भून लेना है। इसमें लगभग आधा चम्मच नमक डालना है। फिर इसको हल्का सा हमको चलाकर इसको थोड़ी देर तक हमें सौंधा करना है। अब जो हमने मसाले भुने थे और पीसे थे उन सबको इसमें मिला देना है। लगभग 100 ग्राम के लगभग हमको गुड़ इसमें डालना है। आप चाहे उसको गुड़ को भिगो लीजिए, चाहे उसको बारीक कूट कर उसको डाल दीजिए, क्योंकि कुक होते समय ये इसमें गल जाएगा, अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा।
दो चम्मच के लगभग इसमें चीनी डाल दीजिए। और 5 से 10 मिनट के लिए हमको इसको पकाना है। और ये रेडी है सर्व करने के लिए। इसको आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, दो हत्थी रोटी के साथ, दो हत्थी रोटी भी बनाना हम आपको बताएंगे, उसके साथ सर्व किया जाएगा। और इसको आप हो गया। हो गया। हो गया।